शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी को 4 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। पीटर पर शीना बोरा की हत्या से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप है। सीबीआई को एक फोन रिकॉर्ड से पीटर के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। शीना मर्डर केस में गिरफ्तार हुए पीटर मुखर्जी अपना जन्मदिन सीबीआई की रिमांड में मनाएंगे। कल पीटर का जन्मदिन है। उससे पहले आज सीबीआई कोर्ट ने पीटर को 4 दिन की सीबीआई रिमांड को मंजूरी दे दी। पीटर को आईपीसी की धारा 302, 120B, 306, 201 और 363 में आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। दलील दी कि शीना बोरा हत्याकांड में पीटर की भूमिका की जांच जरूरी है। सीबीआई ने कहा कि पीटर ने अपने बेटे राहुल से शीना के बारे में जानकारी न होने की झूठी बात बताई। सीबीआई के मुताबिक पीटर जानते थे कि शीना की मौत हो चुकी है। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि पीटर ने क्राइम और सबूत मिटाने में रोल प्ले किया था। उधर पीटर के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने अपने बेटे राहुल मुखर्जी को शीना बोरा के बारे में गुमराह नहीं किया था। साथ ही शीना के कत्ल में पीटर के मोटिव न होने की दलील दी। सीबीआई का ये कहना जहाँ तक याद याद आती रहेगी।